गर्मी की इस छुट्टी में मैंने अपना एक लिस्ट बनाया है, मुझे कौन कौन सी मूवी देखनी है, और उन्हीं में से आज मैं आप लोगों को टॉप 7 साउथ मूवीज बताने वाला हूं, जिसे एक बार तो आप लोगों को जरूर देखनी ही चाहिए। इंटरटेनमेंट की फुल गारंटी मैं देता हूं, वो चाहे सस्पेंस हो, थ्रिल हो या हो एक्शन कॉमेडी, सारे मूवी एक से बढ़कर एक होने वाला है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी मूवीज का लिंक अपन के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है। तो चलिए इंट्रो में ज्यादा बात नहीं करते हैं और सीधे लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं एक गैंगस्टर कॉमेडी मूवी से जो हाल ही में आया है, और मूवी का नाम है अवेसम। कहानी एकदम सिंपल सी है, लेकिन इसे जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है भाई, कसम से मजा आ जाएगा। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 3 लड़के बाहर जाते हैं, जहां कॉलेज में उनके साथ सीनियर रैगिंग और परेशान करते हैं। तो उनसे ही बचने के लिए ये लोग एक लोकल गैंग के लीडर रंगा का सहारा लेकर रिवेंज लेना चाहते हैं। रंगा यानी अपना फहद फाजिल है, और इसका जब से मूवी में एंट्री होता है भाई, सच में आप काफी ज्यादा इसका कॉमेडी को एंजॉय करने वाले हो। और अगर कुछ हटके और इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो तो मूवी को बिल्कुल मिस मत करना। मूवी का लिंक टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी गई है। नंबर 2 पर है 2019 की रोमांटिक थ्रिलर मूवी रेवेनिंग। कमजोर दिल वाले तो इसे बिल्कुल भी ना देखें। इसमें कोई खतरनाक ब्रूटल चीजें दिखाया तो नहीं गया है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे देखने के लिए आपको मेंटली 18+ होना पड़ेगा। इमेजिन करो कि आप दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाते हो, जहां आपको एक शादीशुदा औरत से प्यार हो जाता है और वो भी आपसे प्यार करने लगती है, बट उस औरत की एक डिजायर है और वो ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही डिस्टर्बिंग डिजायर है, उसे इंसानों का मांस खाना है। तो क्या आपका प्यार इतना सच्चा है कि आप उसे अपना मांस खाने को देंगे? तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये मूवी। अब इसकी डिजायर कहां से कहां तक ले जाती है और लास्ट में क्या ट्विस्ट निकल के आता है, ये तो मूवी देख के जानो। ये एक असामी मूवी है, बट इसे हिंदी में भी डब किया गया है। ये हेलमेट क्यों पहना? किलर ने सर पे गोली मार दी, चाय में भी तो मिला सकता है। नंबर 3 पर है एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज जिसका नाम है मर्डर इन महीम। वैसे तो मैं सीरीज को ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट सीरीज अगर अच्छी और एंगेजिंग हो तभी मैं देखता हूँ, और ये वाली सीरीज मुझे काफी अच्छी लगी। इस सीरीज के अंदर एक ब्रूटल सीरियल किलर है जो सिर्फ गे लोगों को टारगेट बना रहा है और चाकू मारकर सीधे किडनी लेके जा रहा है। ऊपर से हाथ में अगले शिकार का नाम भी लिख के जाता है। भाई साहब इतना खतरनाक! अब इस सीरियल किलर को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। अब वो पकड़ा जाएगा या नहीं, ये तो तुम सीरीज देख के जानो। खून खराबे से भरी मर्डर मिस्ट्री पसंद है तो ये सीरीज को आप जरूर देख सकते हो, लेकिन वो भी अकेले में, फैमिली के साथ तो सोचना भी नहीं। नंबर 4 पर है एक पीरियोडिक ड्रामा मूवी यथिसाई। सबसे पहले तो मूवी के मेकर्स को सैल्यूट है मेरा, जो इतने लो बजट में भी क्या बेहतरीन मूवी बनाई है। आपने अगर पोनियन सेल्वन देखी है तो इस मूवी को आंख बंद करके देखना, नहीं आंख बंद करके देखोगे तो फिर चुतिया लगोगे। मजाक था भाई। मूवी की कहानी 7 सेंचुरी की है, जहां कैसे एक पावरफुल राजा दूसरे साम्राज्य के ऊपर शासन करना चाहता है, यही मूवी की स्टोरी है। बट सच बताओ तो इसकी कहानी के ऊपर मत जाओ, क्या है कैसी है। आप अगर इसे एक बार देखने बैठ गए तो फिर एंड करके ही उठोगे। मूवी का एक्शन सीन काफी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी अच्छी है, इसका प्रेजेंटेशन भी बढ़िया है, ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट है। मूवी को एक बार जरूर देखना, पसंद ना आया तो कमेंट में 4 गाली देके जाना। नंबर 5, 2021 की अद्भुतम। मूवी अपने नाम की तरह ही अद्भुत है। मूवी की कहानी बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट टाइप की है, जहां एक लड़का और लड़की की कहानी दिखाई गई है जो एक अलग अलग टाइम जोन में होते हैं। बोले तो लड़की पास्ट से है और लड़का फ्यूचर से है। अब अलग अलग टाइम जोन में रहने के बावजूद कैसे फोन से बातें कर पाते हैं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बट क्या इन दोनों के बीच का प्यार सक्सेसफुल हो पाएगा और क्या इनका मिलना पॉसिबल है या नहीं, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी की खासियत इसकी कहानी तो है ही, लेकिन जो ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलता है, सुपर। बाकी मूवी देखो यार, सब कुछ यही नहीं बताने वाला हूं। नंबर 6, 2022 की डायरी। इस मूवी के अंदर एक इंस्पेक्टर है जो 16 साल पहले के एक पेंडिंग केस को सुलझाने की कोशिश करता है, और वो केस उसे एक मिस्टीरियस बस तक ले जाती है जिसमें सवारी बैठते तो हैं, लेकिन उस बस में कुछ मिस्टीरियस चीजें हो रही हैं। दरअसल उस बस का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वो बस चल कैसे रही है और क्या मिस्टीरियस चीजें हो रही हैं, इवन इंस्पेक्टर का वो पुराना केस और बस का क्या कनेक्शन है, ये तो तुम मूवी देख के जानो। अच्छे ट्विस्ट के साथ एक शानदार थ्रिल देखने को मिलता है, और मूवी हिंदी में अवेलेबल है। लिस्ट की आखिरी मूवी है 2024 की एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। मूवी के अंदर एक नाबिया नाम की लड़की है जिसका एक दिन मर्डर हो जाता है, जिसका इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर कर रहा है। अब मर्डर किसने किया और क्यों, ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, लड़की के पास से कई से राज निकल के आते हैं जो केस को और भी ज्यादा उलझा देता है। एक औसम एंगेजिंग थ्रिलर मूवी देखना है तो मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। बस कम बजट होने के कारण VFX वगैरह डाउन लगती है, बाकी कंटेंट एक नंबर है, खतरनाक कॉन्सेप्ट है, एंड मूवी का क्लाइमेक्स तो अनएक्सपेक्टेड है भाई। तो भाई लोग, यही थी आज के कुछ बेहतरीन मूवी के लिस्ट। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मूवी देखो।